हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. दिस इज़ फ्रॉम सांगला. सो हम रात को यहाँ होम स्टे में रुके थे और इस वक्त सुबह का जो टेम्परेचर है वो -9 डिग्री सेल्सियस चल रहा है. थोड़ा सा व्यू आपको दिखाना चाहेंगे, और ये बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और पीछे की पहाड़ियाँ तो कम्प्लीटली बर्फ़ से ढकी हुई हैं. ये सांगला टाउन है जहाँ पर बहुत सारे होटल्स एंड होम स्टेज, गेस्ट हाउस जो है वो मौजूद है आपके ठहराव के लिए. और पहाड़ों में वैसे भी सुबह थोड़ी लेट ही होती है. सो आज का हमारा प्लान है कि हम लोकल साइट सीइंग करेंगे, सांगला वैली को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, और थोड़ा छितकुल की तरफ जाएंगे जो कि लास्ट विलेज है हमारी तरफ से, किन्नौर से, हिमाचल का, इंडिया का. माउंटेन लेडी थोड़ी बीमार हो गई है तो इसलिए हम शायद आज यहीं पर स्टे करें. जैसा कि आप देख सकते हैं, शी इज़ बेड रिडन क्योंकि बीमार हो गई है, ठंड लग गई है कुछ. मतलब कितनी देर लेटे रहेंगे? तो अब हम निकल रहे हैं इस रूम से और चितकुल की तरफ जा रहे हैं, और हालांकि अभी भी आई वॉज नॉट फीलिंग फाइन, पर एंटीबायोटिक्स ले ली है और टाइम ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकते ना यहाँ बैठ के। विल हैव टू गो। सो नाउ वी आर लीविंग टू चितकुल फ्रॉम सांगला। मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मैं कितनी बीमार हूँ, है ना? काफी बीमार है. देखो व्यू, देखो व्यू। हम जा रहे हैं चितकुल की तरफ सांगला से, और आपको सामने जो नज़ारा नज़र आ रहा है ये सांगला टाउन है, और पीछे बर्फ़ की पहाड़ियाँ, उसके बीच में बसा हुआ सांगला वैली जो कि बहुत मशहूर है. साथ में ही आपको नदी नज़र आ रही है, बसपा नदी, जिसके किनारे पे ये टाउन बसा हुआ है. और अभी हम जा रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है हमें देखने के लिए. हर बार जब वो सेम दिखता होगा कुछ ना, एवरीथिंग इज लाइक डिफरेंट। पटसेरी आपका स्वागत करती है। थैंक यू। इतनी मिर्ची वाली चटनी लेकर के ताकि पूरा कोल्ड वोल्ड सब भाग जाए। या वो आगे देखो, आप इतनी बिग रॉक तरफ से कैलाश जाना फिर आसान तो नहीं है गई उस तरफ से के कंपैरिजन। व्हाट डू यू थिंक? हम लोग इस वक्त क्रॉस हो रहे हैं रक्षम जगह से, और यहाँ पे भी बहुत सारे ये क्या कहेंगे कैंप साइट्स हैं। अगर आप लोग यहाँ भी रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। होम स्टेज हैं, कैंप्स हैं बिल्कुल रिवर साइड पे, और ये अच्छी जगह लग रही है वैसे, है ना? कितना सुंदर घर है। वाओ, ये ट्रेडिशनल हाउसेस हैं किन्नौर के। ये है इस तरह के कैंप्स हैं यहाँ पे, रस्टिक पैराडाइज इसका नाम है। ऐसे ही नीचे भी है रिवर के पास, इससे आगे हमें थोड़ी थोड़ी स्नो दिख रही है। इस बार बर्फ उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी है जितनी पड़नी चाहिए, है ना? चौकी मस्तरम चौकी। अच्छा, पहले तो हमें रोका था इन्होंने, पर अभी क्योंकि शायद बर्फ़ नहीं पड़ी है इतनी तो ये जाने दे रहे हैं सबको। तो यहाँ पे अगर रास्ता ख़राब होता है तो ज़्यादातर यहाँ से वापस कर दिया जाता है लोगों को, पर अभी देयर इज़ नो डेंजर, तो उन्होंने हमें पूछा तक नहीं, क्योंकि डेंजर एक ही होता है और वो है
बर्फ का। और ये देखिए आप यहाँ पे नाला जमा हुआ, नाला तो शायद 4:30 बजे के बाद यहाँ पर वैसे जाने नहीं देते ये लोग, क्योंकि उसके बाद भी फिर से कोहरा जमना शुरू हो जाता है ना, है ना, तो वो काफी रिस्की हो सकता है गाड़ियों के लिए। हम लोग तो भी ठीक ही टाइम पे चल रहे हैं। बर्फ पहुंची हुई है और बर्फ को नदी ने काटा हुआ है, बैंक बना रखा है। बहुत ही अद्भुत नजारा है, देखो नीचे कितनी प्यारी नदी है, क्रिस्टल क्लियर वाटर। ओके सो हम लोग चितकुल से सिर्फ 1 किलोमीटर पीछे है अब, यानी कि हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं वहाँ पे। यहाँ पे हमें एक अच्छा पॉइंट मिला है जहाँ से हम आपको चितकुल का व्यू भी दिखा सकते हैं और आपको बसपा रिवर भी दिखा सकते हैं। और सामने देखिए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हिल्स। पहुँच गए हैं चितकुल। लेकिन चितकुल में तो कुछ भी नहीं दिख रहा। जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, है ना, इंडो चाइना बॉर्डर। थोड़ा सा डाल के तो नहीं खाएंगे, फिसलेंगे तो ना यार, फिसलेंगे तो नहीं है, पोर्शन तो पता है मेरे को, अभी याद तो तभी जाना था। और ये जो हवा देख सड़क है ऊपर को वैसे, ओ माय गॉड जस्ट लुक एट दिस, ये ऊपर कैंप्स है और यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के तो नहीं डाला है कहीं पानी। See how beautiful these tents are. इनमें रहने का तो मजा आता होगा, पर हमें तो आइडिया था पहले कि यहाँ है ऐसे। हम एंटर कर चुके हैं चितकुल रक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में, और आगे क्या है, ये कोई गांव है और या फिर ये कुछ वो है आर्मी पोस्ट होगी, तो हमें वापस तो नहीं जाना चाहिए यहाँ से। वो खुद ही बोल देंगे वापस जाओ। अच्छा जी, तो अब इसके बाद में लिखा है कि इसके आगे जाना जो है वो परमिशन के साथ ही होता है, तो लिखा तो है पीपी गैम पे आगे, शायद हमें वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। कैंप से लिखा है तो लगा है बॉर्डर का फट्टा जाने में गया। मोड़ो फिर प्रोहिबिटेड एरिया। So it's a prohibited area. Let's go back. ये checkpoint है यहाँ पर ITBP का, इससे आगे जाना allowed नहीं है। और ये जो है कि एक साल की rotation में यहाँ पर आर्मी और ITBP के जवान जो है तैनात होते हैं। परमिशन नहीं पड़ती है इस दिन से करके जाना। अभी तो खैर जाने देंगे ना, आगे तो बर्फ जमी हुई कहते हैं, कई कई किलोमीटर बर्फ जमी। वहाँ गाँव है? गाँव कोई नहीं है, ऐसा के प्लेस है, डूमती है, इनके कैंप्स है ना। फिर ITBP ये हमें दिखाई दे रहा है चितकुल का व्यू। वी आर कमिंग बैक फ्रॉम द बॉर्डर वाली साइड। और चितकुल में एक्चुअली देर इज़ अ टेम्पल, यहाँ की जो लोकल डेटी है माता मठी शायद उनका नाम है,
और मैंने थोड़ा स्टोरी पढ़ी, क्योंकि जो ये गॉडेस है शी केम फ्रॉम मथुरा इनिशियली एंड सेटल्ड हियर, इसलिए उनको मठी माता कहते हैं। तो ठिठुरते हुए हम अब उतर रहे हैं हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे की सीढ़ियाँ। जनवरी में बहुत लो टेम्परेचर होने की वजह से शायद ये टाउन ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा चहल पहल नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम बुरी तरह से कांप रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, उसे ग्लव्स भी नहीं लाए हम, इतने बेवकूफ है और ना गला भी बंद हो रहा है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए चिक्कुल में, और मुझे लगता नहीं है यहाँ कुछ करने को है भी। नदी पे जाना तो बेवकूफ़ी होगी, हमने बस चाय पिए गरम गरम, मतलब बाहर बैठना भी इतना मुश्किल हो रहा था ना, बाहर मतलब होटल के अंदर कैफे के अंदर बैठना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, पैर ऐसे ना जम गया बिल्कुल। तो हम लोग कह सकते कि बस भागो यहाँ से अब, और हम भाग ही रहे हैं एक्चुअली। तो आप लोग बाय कर दीजिए अब, क्योंकि आज का व्लॉग हम खत्म कर बाय रहे हैं। बाय माता देवी की कृपा से। तो अगर आप लोग दिसंबर जनवरी में आते हैं सांगला चितकुल, तो प्लीज अपने साथ हर तरह का वुलन वेयर लेके आए, पूरी तैयारी के साथ आए, बार बर्फ पड़ रही होगी खाई, तब यहाँ पर आप इंजॉय कर पाओगे। ठीक है जी, तो अब हम लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय, टेक केयर। तो बाहर स्नोफॉल हो रहा है, जिसकी थोड़ी थोड़ी फ्लेक्स हमारे यहाँ भी पड़ रही है।